तो गाइस देखिए, हम चारों तरफ से मंकी से घिर चुके हैं और हमारा रास्ता रोक दिया गया है यहाँ पर। और ये देखिए, बारिश में लेक भर चुका है, उसका फायदा उठाते हुए ये जुगाड़ देखिए हमारे गाइस का। जी हाँ, देखते हैं कितना किस्मत साथ देती है और फिश मिलता है कि नहीं हमें इस जुगाड़ से। और गाइस हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमें यहाँ पर साइंटिस्ट फील्ड विजिट पर ले जाने वाले हैं KVK में। तो गाइस यहाँ हम सब असेंबल होते हुए, जी हाँ, और थोड़ा रिफ्रेशमेंट तो बनता है, 100 किलोमीटर्स की राइड जो करनी है ऑलमोस्ट। ये देखिए फलाहार फ्रूट मॉर्निंग में, फलाहार विद सीताफल, फलाहार विद सीताफल। ये हम है, ये सीताफल है और पार्टी हो रही है। अब आपके साथ साथ चलो चलते रहेंगे। अभी कैसा लग रहा है देखो हमारे गाइस, बारिश में भीग के भी हमें तो बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है हाँ। और भानु भैया मजा आ रहा है ना, भीग के भी मजा आ रहा है ना। हाँ। भी सपोर्ट कर रहा है। हाँ देखो, ऐसा होता है एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। बारिश हो रही है फिर भी नेचर को सपोर्ट बोल रहा हूँ। आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वानर सेना, और इस वानर सेना को और बड़ा कर देते हैं बैकग्राउंड बड़ा करके। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि लिटरली इन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया और ये रोड पे ही बैठे हुए थे। ये हमारे बैग से बनाना निकालने लगे क्योंकि साइक्लिस्ट लोग जनरली बनाना लेके निकलते हैं। शायद इनको पता है कि साइकिल पे जो भी बंदे आते हैं वो बनाना वगैरह ऑफ़र करेंगे, तो हम ऑफ़र नहीं कर रहे थे, बट ये बैग पे बैठ गए पूरी तरह से और हम तो काफ़ी डर गए। हम एक जगह खाना खाने को बैठे, एक आप देख रहे हो जैसे मैक्रोनी लेके आया था एक हमारा बंदा, जैसे ही टिफिन खोला वो कूदने लगे वो चारों तरफ से। हमें तो डर लग गया कि पता नहीं कहीं ये काट वाट ना लें, लेकिन ये बहुत ही प्यारे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत हमारा खाना बचा हुआ था इन्होंने साफ कर दिया। तो बस बड़ा मज़ा आया हमें इनके साथ और इन्हें शायद हमारे साथ मज़ा आया, और हमने ये मानना पड़ा कि गलत जगह चुनी लंच करने के लिए, ये यहाँ हमें टिफ़िन नहीं खानी चाहिए थी। बड़े बड़े राइडों पे ऐसे छोटे छोटे ब्रेकडाउन तो होते रहते हैं, और ऐसे ब्रेकडाउन को फिक्स करने के लिए हमारे हमारे बच्चे एकदम इक्विप्ड हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। तो आपको भी बेसिक ये गुड़ सीख लेने चाहिए, बाइक जब चला रहे हो तो ये सब की जरूरत पड़ती है ना। और कैसा लग रहा है, हम एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे आपका, पूरी तरह से भीगे हुए आप। सारी मेमोरीज अभी भीग गई हमारी है ना, भीगी भीगी यादें। मंकी बहुत सारे बंदर दिखे थे उसके साथ, हमारे साथ दो बंदर भी थे। अच्छा, कौन दो थे? अच्छा क्या हुआ, इंसान था इनका शिकार करने आया। पूरी तरह से हम पूरी तरह से ड्रेंच है, नरसापुर फॉरेस्ट में अभी एंटर हुए हम। एक तरफ मंकी स्वागत कर रही है हमारा, दूसरी तरफ बारिश। अब जहाँ भी जाते हैं पता नहीं बारिश क्यों हो जाती है। अगर आपको भी आपके एरिया में बारिश कराना हो, बारिश नहीं हो रही हो, तो हमें इनवाइट करो राइड के लिए, हम वहाँ आएंगे बारिश करा देंगे। ठीक है, फिलहाल आप एंजॉय करो हमारी कंपनी। तो गाइस, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, यो यो। ఈరోజు అబ్దుల్ కలాం గారి 91st బర్త్డే, వారు ఎప్పుడు కూడా పిల్లలతో కలిసి తన జీవితం మొత్తం కూడా పిల్లల్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తూ నెక్స్ట్ 2020 త్వరగల భారతదేశాన్ని విశ్వగురు స్థానంలో నిలపడం కోసం అబ్దుల్ కలాం గారు నిరంతరం కృషి చేశారు. మనం డిఫెన్స్లో ఇంత స్ట్రాంగ్ అయినామంటే వారి కారణంగానే. వారిని 91st బర్త్డే సందర్భంగా ఒక 91 అబౌవ్ కిలోమీటర్స్ సైక్లింగ్ రైడ్ చేయడం కోసం వీళ్ళందరూ స్టూడెంట్స్తో కలిసి మా పెడల్ పల్టన్ కెప్టెన్ రజనీష్తో కలిసి మేము హైదరాబాద్ నుంచి నర్సాపూర్ ఫారెస్ట్ గుండా, అదేవిధంగా నర్సాపూర్ లేక్ ఇది, ఈ లేక్ దగ్గర కొద్దిసేపు ఫిషింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇట్లా వీళ్ళకి బుక్ నాలెడ్జ్ కంటే కూడా
ఇలా నేచర్ కి కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఇట్లా పిల్లల్ని నేచర్ కి కనెక్ట్ చేయండి. అబ్దుల్ కలాం కి ఘనంగా నివాళి అర్పిస్తాను. మాతరం మాతరం వందే మాతరం, మాతరం మాతరం వందే మాతరం, మాతరం మాతరం వందే మాతరం. हां तो गाइस, आप लोगों के लिए जो तेलुगु में नहीं समझ पाए वो हिंदी में समझिए. भाषा बदल रही है बस, भाव नहीं बदल रहा. इसमें क्या है, आप आज अब्दुल कलाम जी का 91st बर्थडे है, उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए हम 91 किलोमीटर की राइड रखे हैं हमने, और बहुत ही मस्ती के साथ. बारिश ऊपर पानी, नीचे पानी, हर जगह पानी पानी है. हम लोग भी पानी में, आप देख रहे हो, एकदम मजे से. गॉड हैज़ बीन ग्रेसफुल, है ना. तो जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना तो पूरा नेचर हमारे साथ होता है. यही है, दो तरह से आप देख सकते हैं, तो ग्लास भरा हुआ या ग्लास खाली. हमारे लिए हमेशा ग्लास भरा हुआ होता है. हम हमेशा मजा करते हैं, नेचर जो देती है हम एक्सेप्ट करते हैं. तो हम यही सीखते हैं बड़े लोगों से. कलाम साहब से भी हमने बहुत अच्छा, बहुत यही सब सीखा है. और हम भी देश को आगे बढ़ाने के लिए साइकिल चला रहे हैं. हम मिसाइल तो नहीं उड़ा रहे, लेकिन हम भी कुछ कर रहे हैं. साइकिल चला के हम वो करेंगे जो कलाम साहब ने किया है. ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. हेलो गाइस, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है लोकेशन? ये देखो पूरा पानी पानी हो गया है. ये नरसापुर लेक है. तो नरसापुर फॉरेस्ट में नरसापुर लेक, ये अराउंड हमारे घर से कांटेदान से अराउंड 70 किलोमीटर्स है. तो बस ज़्यादा दूर हमें नहीं जाना, बस और 15-20 किलोमीटर और जाना है. तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है. ऊपर से पानी, पीछे पानी, और हम सब पानी पानी. और क्या चाहिए आपको? आपके मुँह में पानी आ रहा होगा देख के, बस ऐसा ही होता है. और हम लोग तो मेंढक है, हम लोग बारिश में चाहे जैसा भी मौसम हो, है ना, हम जाते हैं. तो आप भी ऐसे चलाओ, नाजुक कली बन के मत रहो. आप भी चलाओ, एंजॉय करो. नेचर का एंजॉय करना है बेसिकली, है ना. तो बस इतना ही है. कैमरामैन अभिषेक के साथ पिटर पल्टन, हैदराबाद. यहाँ पर हम ब्रेक के लिए रुके हैं. कितनी सुंदर जगह देखिए. यहाँ पर थोड़ा सा पानी भर गया है, ये लेक का पानी है इसमें, इसलिए इसमें मछलियाँ हैं. और ये जुगाड़ देखिए, हमारे बंदों का जुगाड़ है मछली पकड़ने के लिए. तो बस वही है, हर चीज को ना एक फन राइड में तब्दील कर दो. पकड़ लो, अरे अरे तुमसे ना हो भाई. भाई कहाँ उड़ रहे हो? ए ले पकड़ लिया, पकड़ लिया, देखो पकड़ लिया भाई. अरे वाह, अरे वाह, डाल दे कैटफिश, डाल दो वापस, डाल दो. चलो वेरी गुड. तो इतनी मस्ती के बाद हम पहुंच चुके हैं रेड फोर्ट फैमिली रेस्टोरेंट. जी हाँ, घटोचकच की तरह टूट पड़ना होगा खाने पे. बहुत जरूरी है ये ब्रेक. ये खाने के बाद हम सीधा कृषि विज्ञान केंद्र पर निकल पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये तो देखिए, एंजॉय करिए आप हमारे साथ. तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं तुनिकी में स्थित केवी के कृषि विज्ञान केंद्र में. ये रामा नायडू एकलव्य फाउंडेशन एनजीओ है जो कि इस कोऑपरेट करती है, इस केवी के कोऑपरेट करती है. और उसी के बारे में मैं सर बता रहे हैं, इसके बारे में खास जानकारियां दे रहे हैं, इससे पहले कि हम फील्ड विजिट पे निकलें. सुनो और क्वेश्चन करो. आप दोनों बीच में बात करो. स्वर्गम, स्वर्गम बाजरा बोल दे उसको. वो क्या बाटल गाड़ है? वो स्वर्गम, वो बाटल गाड़ पता है. ये क्या है? अभी आप देख रहे हैं मल्टी क्रॉपिंग वाली फील्ड जिसमें 6 तरह के क्रॉप्स एक साथ उगाए गए हैं. तो यही हमें साइंटिस्ट बता रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या है. कि मान लीजिए एक एकड़ में 6 अलग अलग तरह के फसल उगा के ये इनकरेज करते हैं कि ऐसे मल्टी क्रॉपिंग करके किसान खुद जाके अपना सामान मार्केट में बेचे, उससे उसको अच्छा रेट मिलता है बजाय कि होल सेल में उसको बेचे. तो ये सारी चीज़ें और इसके फायदे हमें वो बता रहे हैं. ये बायो फर्टिलाइजर है. तो अभी हमने जाना कि बायो फर्टिलाइजर कैसे सॉइल की न्यूट्रिशन वाली क्षमता यानी कि पोषक क्षमता बढ़ाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स बहुत रिच होते हैं. और इनका इस्तेमाल जानवरों को फॉडर की तरह भी किया जा सकता है, उनको खिलाया जा सकता है, और मुर्गियों को भी पोल्ट्री में खिलाया जा सकता है इनको. तो अभी आप जो शेड नेट
देख रहे हैं इसमें क्या होता है ना कि बाहर मान लीजिए अगर 25 डिग्रीज की टेम्परेचर है तो ये 50% कम कर देता है। जो शेडेड स्ट्रक्चर है वो तो यहाँ की टेम्परेचर आधी हो जाती है, यानी कि 12.5 इस एग्जांपल के हिसाब से 12.5 डिग्रीज ही रहेगी, तो बहुत कंड्यूसिव रहता है ये यील्ड करने के लिए, सैपलिंग बनाने के लिए। तो ये क्या करते हैं ना कि तेलंगाना के मेदक डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स के लिए ये टमाटो वगैरह की सैपलिंग बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जो हाई यील्ड वाली सैपलिंग्स होती है वो तैयार करके, जैसे टमाटर के पौधे तैयार करके उनको दे देते हैं। तो इसके लिए उनका आधा काम तो यही हो गया, तो उसके बाद वो अपने खेतों में लगा के उससे कमाई कर सकते हैं। तो यही है केवी के होने का फ़ायदा। अभी आपको जो दिख रही है वो है मल्चिंग फैसिलिटी। मल्चिंग में क्या होता है, जो प्लास्टिक की शीट की जैसे जो डली हुई दिख रही है ना, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है जो कि ज़मीन में अपने आप गल जाता है। और इसका फ़ायदा क्या है, वीड कंट्रोल, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स बाहर नहीं आते, उसी में दब के रह जाते हैं प्लास्टिक के नीचे, और ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेटरनरी साइंस का भी यहाँ पर स्टडी किया जाता है, तो ये देखिए गिर के काउज, बहुत ही फेमस गिर काउज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये अंतर्गत आता है वेटरनरी साइंटिस्ट के। क्यों डालते हैं बोलते मल्चिंग, ये वीड्स नहीं आता एक, वो फिर अपने को लेबर ज़्यादा होगा, हाँ वो कॉस्ट भी कम होता है। नाम क्या है मशीन का, ये कहाँ से आप लोग, मेक इन इंडिया है या इम्पोर्ट करते हैं? मेक इन इंडिया है, ये गुजरात में, गुजरात है, गुजरात से इधर। अच्छा, अब भी आप जो देख रहे हैं उसको सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन बोलते हैं, जिसमें हम सीड डालते हैं, ऊपर का वो खांचा खोल के सीड डालते हैं और ये ऑटोमेटिकली ये खेत में सीड के साथ साथ फर्टिलाइजर भी दोनों वो पाइप से जाता है, ठीक है, और सही डिस्टेंस पे जाता है, तो काफ़ी मैन पावर सेव करता है। इसके अलावा अभी आप जो देख रहे हो बीज बोने की मशीन है, इस बॉक्स में बीज डाला जाता है और बस आपको मैन्युअली ऑपरेट करना है और वो सीड को सो करते हुए बीज बोते हुए आगे बढ़ता है मशीन। और ये ऑटोमेटिक पैडी सोइंग, यानी कि धान को देखिए ये सीधे कतार में ये बोता है, जिससे मैन पावर और कॉस्ट दोनों बचता है। देखिए फूड आप खा रहे हैं कैसा? अच्छा, एकदम शानदार है। अच्छा। और आज का दिन बहुत बेहतरीन रहा, तो वो दिन समाप्त होता है यहाँ और हो चला है डिनर टाइम केवीके में, डिनर का समय, और सारे बच्चे एंजॉय करते हुए आपको मैं आगे बताता हूँ कहाँ स्टे भी कर रहे हैं। यहीं पर हमारा स्टे का भी व्यवस्था किया गया है, तो वो भी आपको बताते हैं। तो चूँकि हम काफ़ी लोग थे, 13 मेंबर्स थे, तो हमारे ट्रेनिंग रूम में व्यवस्था की गई है सोने की। ये देखिए हम सब पूरी तरह से थके हुए हैं और काफ़ी एनरिचिंग दिन रहा आज का, तो बस मिलते हैं सवेरे आपसे। गुड मॉर्निंग माधव जी। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। आज कृषि विज्ञान केंद्र में दांत नीम से कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। बाकी लोग अभी सो ही रहे हैं। एक्चुअली साइकिलिंग मेरा हॉबी है, पर प्रोफेशनल नहीं हूँ। साइकिल चलाना तो सबको अच्छा लगता है और जहाँ संभव है मैं चला लेता हूँ, पर कल जब ये लोग 13 दूर हैदराबाद से आए हैं यहाँ, सारे बच्चे और इनके साथ 2-3 बड़े बुजुर्ग, तो बड़ा अच्छा इनका पिकनिक रहा होगा रास्ते में, बारिश में धूप में भीगते हुए सूखते हुए, और यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा, नया चीज़ कुछ खेती के बारे में हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों के साथ बात करके, और क्योंकि इतना दूर 70-80 किलोमीटर साइकिल चला के आए तो काफ़ी अच्छा अनुभव भी रहा होगा, और मैं चाहता हूँ और सुझाव है कि सारे बच्चे यही करें, क्योंकि एक अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज भी है, मनोरंजन भी है, साथ में ज्ञान भी बढ़ता है, टीम वर्क बढ़ता है, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और लगभग निःशुल्क फ्री है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ पैसे वैसे लगने वाले नहीं हैं,
क्योंकि पूरा अपने ही मेहनत से लाते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस भी होता होगा लोगों को। तो ये आगे चल के यही अगर हॉबी रखे लोग तो काफ़ी अच्छा समय का भी सदुपयोग होगा और जीवन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप सुन रहे थे आर के अनिल सर को जो कि वॉलंटियर है यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में। तो होपफुली यू आर मोटिवेटेड, टाइम एंड अगेन चीज़ें रीइटरेट होती हैं, तो अब तक नहीं तो अब सही, अब आ जाइए आप, हम चाहते हैं कि आप साइकिलिंग करो, कल ना सही तो आज ही सही। थैंक यू गाइस। तो गाइस होपफुली आपने बहुत एंजॉय किया, आपको बहुत सिर्फ साइक्लिस्ट से नहीं आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ पीपल से मिलने का मौका मिला, आप अनिल सर से मिले, बहुत कुछ सीखे। आप अभी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं हमारे ये नए पेडल वॉरियर्स, फ्यूचर पेडल वॉरियर्स, उनसे मिल रहे हैं और कल आपने बहुत कुछ सीखा जो आमतौर पर ना हम नहीं करते हैं, जैसे फील्ड विजिट, ये सब बहुत खुश नसीब लोग ही होते हैं जिनको मिलता है, या फिर आप गांव जाते हो तो उतना अप्रिशिएट नहीं करते आप क्या देख रहे हो, हरियाली है तो है, आप नहीं जाते, आप वहाँ भी जाके फ़ोन यूज़ करते हो। यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ हम एक मकसद से आए थे कि यहाँ आके कुछ एक्सपीरियंस करना है, कुछ सीखना है, कैसे रिसर्च क्या होता है, कैसे खेती बाड़ी होती है, कैसे उपज बढ़ाना है, बेसिकली किसान जो अन्नदाता है उनकी मदद कैसे करते हैं लोग। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र, जैसा कि आपने ऑलरेडी बहुत बार आपने सुना होगा इस वीडियो में कि ये एक्सटेंशन है, अगर लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो सुविधा नहीं होती है, अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है कृषि में तो उसको उस तो वो एक्सपेरिमेंट का ये अवसर देता है, यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करके वो अप्लाई कर देते हैं फार्मर्स पे। तो होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे प्लांट्स नए नए आपने देखे होंगे, कल आप भी पहचानने लगे, तो बहुत मज़ा आया आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो, बहुत पेशेंटली आपने देखा, वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके दोस्तों का भला हो पाए, और लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी है, आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी हमें बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, तभी तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट लाता रहूँगा आपके लिए, है ना। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी ज़बरदस्त वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप रीडिंग माइज।